तो कैसे हो देवी और सज्जनों, आज हम आपके लिए ऐसी फिल्म लाए हैं जो कल्पना से बिल्कुल परे है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हर्ष को इंदु के पिता की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि वह और इंदु पूर्व जन्म से ही एक बंधन में बंधे हैं। फिल्म का नाम है मागाधीरा, जो साल 2009 में आई थी, जिसकी स्टोरी बिल्कुल कल्पना से परे है, जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी और प्रतिरोध किया तो मृत्यु दंड। अगली फिल्म अपने भाई के धोखे के कारण एक प्राचीन दुष्ट सम्राट एक दर्पण में फंसकर आधुनिक दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वह अपने राज्य में दर्पण से लौटने का बहुत कोशिश करता है। मूवी का नाम है बिंबिसार, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी बिल्कुल हटके है, जो लोगों के दिल को छू लिया था। यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगली फिल्म जिससे तो हिंदुस्तान के सभी लोग वाकिफ है, महेंद्र बाहुबली को जब पता चलता है कि उसके पिता की हत्या का षड्यंत्र भल्लाल देव ने रचा, तो वह उसे हराने और अपनी मां को छुड़ाने के लिए एक सेना खड़ी करता है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही यूनिक है। फिल्म का नाम है बाहुबली और बाहुबली 2। प्रभास की इस फिल्म ने लोगों को पहली बार साउथ सिनेमा का असली कॉन्टेंट दिखाया था। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, बहुत मजा आने वाला है। यूट्यूब पे अवेलेबल है। सारे चीतों के चिथड़े उड़ जाएंगे। अगली फिल्म अखंडा। उद्धारकर्ता मुरली कृष्ण को एक दुष्ट वरद राजुलू के जाल से बचाने के लिए भगवान शिव के प्रबल भक्त अखंडा स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता है। इस फिल्म में आपको ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। लिस्ट की आखिरी फिल्म PS1 & PS2। यह एक भारतीय तमिल भाषा की ऐतिहासिक महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन मणिरत्नम ने किया है। इस फिल्म की कहानी भी बिल्कुल हटके है, नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। तो देवियों और सज्जनों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।